Namaste, I am Dipesh Verma and a very happy new year to all of you. And today it's an honor for me to interview my guru, my god, my mentor, Ustad Taufiq Qureshi ji in conversation on Sudhi Body. And I would like to thank Mr. Aditya Mehta for this opportunity. And I think this is first time in 10 years that apart from Mr. Aditya, somebody else is doing the conversation segment. So first of all, I am very thankful to Taufiq Bhai and for taking out time and agreeing to do this conversation segment. जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए बहुत ही honor की बात है instrument पे हाथ रखना, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने वो एक समझ डाली कि एक rhythm की, एक ताल की, लय की, जो कुछ भी मैं हूँ आज, जिनकी वजह से हूँ आज, मेरे गुरु साथ में हैं एंड उनसे थोड़ी मैं बातें करूँगा, उनका एक्सपीरियंस जो हम सब के काम आज भी आ रहा है और आगे भी आएगा, जो उन्होंने शेयर किया है, जो उनका क्या कहते हैं रिदम का जो एक उनकी जर्नी है, और फिल्म इंडस्ट्री कहिए या क्लासिकल म्यूजिक है, फ्यूजन म्यूजिक है, बैकग्राउंड स्कोर्स हैं या फिर एड फिल्म्स हैं, सब जगह पे सारे जॉनरास जो कहते हैं वहाँ पे एक उनका बहुत ही एक बड़ा नाम है। और हम सब, मैं तो स्टूडेंट की तरह और जितने भी हम रिदम प्लेयर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनको गुरु की नज़र से देखते हैं, मेरे तो गुरु ही हैं। सो आज थोड़ी बातें उनसे मैं करूँगा, उनके अनुभव को जानने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिदम अरेंजमेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिदम अरेंजर, the definition of these two words especially. So I'll start. Thank you so much, sir. Wait for... Namaste everybody, thank you Sudeep Audio and Aditya Mehta ji. I was expecting Aditya bhai to be here to interview me, but unhone isko bhej diya hai, mujhe iske sath deal karna padega. But anyway, it's a pleasure to be here on Sudeep Audio and a very very happy and safe and healthy 2021 to all of us. And so sir, good to be talking with you. Truly an honor. And you did say guru and all the choices words for me. Thank you very much. I do teach you, and in that sense I'm your guru, but I always look at all of you as my sons, and whatever I give Shikhar, I give to Omkar, I give to you, and I give to everybody else. That's what I've learned from my father, my guru, Ustad Adarakar. And so let's get on with the chat. Chalo. So, sir, aapne film industry mein kis एज में और किस मतलब किस पड़ाव पे आके आपने फिल्म इंडस्ट्री में स्टेप लिया, और आपने सोचा कि अभी मैं क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ इस फील्ड में भी मैं जाना चाह रहा हूँ? और बिकॉज आप जैसे हमेशा बोलते हैं कि आप पहले अब्बा जी के पास गए और आपने उनसे परमिशन ली। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मैं क्लासिकल म्यूजिक तो कर ही रहा था अच्छे से, मतलब जो भी, बिकॉज मैं शुरू ही किया था प्रोफेशनली, जो मैंने बजाना शुरू किया वो बेसिकली मैंने यू कैन से ऑलमोस्ट 83-84 से मैंने बजाना शुरू किया। उस वक्त तक इधर उधर थोड़ा हाथ पैर मार रहा था, तो और अबाउट 83-84 के दौरान ही मैं छोटे मोटे रिकॉर्डिंग्स भी करने लगा था मेरे पार्टनर के साथ, पीयूष कर्ण जी। हम लोग काफ़ी छोटा मोटा कुछ के लिए काम करते थे, पर एक दौर ऐसा आया कि मैं क्लासिकल म्यूजिक भी शुरू ही किया था, थोड़ा सुल्तान खान साहब के साथ बजाना, अब्बाजी जाकिर भाई के साथ ट्रियो, ब्रजभूषण काबरा जी के साथ मैंने काफ़ी बजाया है, और मेरे जो कंटेम्प्रेरीज थे उनके साथ, हरि जी के साथ कुछ कॉन्सर्ट भी मिले मुझे, तो वो दौर चल ही रहा था। उस दौरान मेरा ये रिकॉर्डिंग का भी शुरू हो गया, तो हम लोग छोटा मोटा प्ले करने लगे, और वहाँ से थोड़ा हमारा नाम हुआ, तो हम लोग मेजर जो गुजराती
और जो प्लेस करने वाले लोग थे राइट उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया. हमने मैंने और पीयूष ने परेश रावल है, दिनकर जानी, होमी वाडिया, फिरोज अब्बास खान उनके साथ, एंड ऑन माय ओन मैंने राहुल निकुना के साथ काम किया. वो काफ़ी फेमस है इन इंग्लिश प्लेस जी. एंड द ग्रेट एलेक पदमसी उनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे इन दिस इन हिज वेरी फेमस प्ले बेगम समूल. तो वो दौर शुरू हो गया था. तो मैं बड़ा मुझे मुश्किल हो रहा था कि मैं क्लासिकल भी बजाओ ये भी बजाओ, क्योंकि कैसा है ना क्लासिकल म्यूजिक जो है उसके लिए एक साधना लगती है, एक माइंडसेट अलग होता है, एक रियाज का बहुत ज़रूरत होता है इसमें. अब स्टूडियो जॉब में ऐसा होता है तो तुम्हें तो जी मालूम है हम लोग सुबह जाते हैं तो कभी कभी नेक्स्ट मॉर्निंग आते हैं. और ये दौर बड़ा होने लगा था, हालांकि मैंने फिल्म का काम अभी नहीं शुरू किया था. तो ये दौर चलते चलते एक ऐसा दौर आया अराउंड 86 के, मुझे फिर फिल्म इंडस्ट्री में भी एक एंट्री मिल गई. आनंद मिलिन के साथ मुझे पहला काम करने का मौका मिला इन द फिल्म इंडस्ट्री. तो वहाँ से थोड़ा मेरा नाम फैल गया कि भाई एक नया बंदा आया है ऑक्टोपैड और रिदम प्रोग्रामिंग करता है, ऑक्टोपैड भी बजाता है. तो वहाँ से मैं जब मेरा नाम थोड़ा फैल गया तो मैसेंजर्स को पता चल जाता था उनको, अच्छा ये भी एक बंदा है इसको बुलाओ. तो वहाँ से अनु मलिक किया, फिर वहाँ से राजेश रोशन किया, जतिन ललित किया, दिलीप सेन, समीर सेन किया, ऐसा बढ़ने लगा मेरा काम. और क्लासिकल म्यूजिक भी थोड़ा बहुत थोड़ा सा था, बहुत पीछे चला गया था. तो मैंने ये डिसीजन लिया खुद ही खुद ने कि यार ये सही नहीं है, मैं मुझे एक सब एक रास्ता पकड़ना है मुझे. और क्लासिकल म्यूजिक की तरफ मेरा मेरा ऐसा है ना कि मैं जब मेरा रियाज नहीं होता था और मैं सही अंदाज से जो मेरा रियाज होना चाहिए, जो मेरी कमिटेड जो रियाज होनी चाहिए नहीं होता था, तो मुझे बड़ा रेस्टलेस लगता था. ये नहीं, ये नहीं, ये मैं नहीं कर सकता. आई कांट बी डिसऑनेस्ट. सो देन आई टुक अ डिसीजन दैट यू नो, एंड आई वेंट टू माय फादर एंड आई सेड टू हिम दैट अब्बाजी मैं आई वांट टू स्टॉप डूइंग क्लासिकल म्यूजिक बिकॉज आई एम इनटू दिस फिल्म म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स एंड आई वांट टू बी ऑनेस्ट टू वन पर्टिकुलर गोल राइट. एंड आई फील दैट classical music I started with it, it will always remain with me, but I am into this zone and I want to be here and I want to stop doing classical music. So he was very understanding. Abbaji himself in the name of A.R. Qureshi, he has done about 50 Hindi and Punjabi films. So he said, well, if you want to do that, it's absolutely fine as long as you know what you're doing. Correct. You know, so this is around 87. Because you know, I had already started with Anand Mulin and then going here and there. So about 87, I took a decision of I will quit classical music and I will concentrate on this. So that's how I got into recordings and my whole journey of this recording world was started. So sir, a struggle वहाँ पे हुआ होगा शुरुआत में. हुआ था, because actually अच्छी बात है, बिकॉज वो स्ट्रगल होना बहुत जरूरी है. बिकॉज ऑफ माई नेम बीइंग तौफीक कुरैशी, नोबडी पिनपॉइंटेड मी विद उस्ताद अल्लाह रखा एंड नोबडी पिनपॉइंटेड मी विद जाकिर हुसैन ऑल्सो. बिकॉज इन दैट इंडस्ट्री फॉर एवरीबडी आई वॉज अ न्यू गाय राइट. नोबडी न्यू मी एज उस्ताद अल्लाह रखा का बेटा. सो व्हेन आई एंटर्ड nobody knew it, so it was good for me because I got the treatment that a youngster, that a new guy gets in the industry. Correct. Which was a very good thing, because when somebody knows, then the other person becomes a little careful. So here it was like nobody knew, or maybe some knew, but wo mere liye acha raha because main thoda sa वो स्ट्रगल क्या होती है वो मैं एक्सपीरियंस कर सका, क्योंकि मेरा स्ट्रगल तो वो तो चल ही रहा था. देखिए एट अ वेरी अर्ली एज इन माय लाइफ आई स्टार्टेड अर्निंग माय ओन मनी, छोटा मोटा. तो घर खर्चे तो मैं घर से पैसा लेना भी बंद किया. व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग डांडिया शोज, ऑर्केस्ट्रा शोज, तो ये सब शोज मेरे शुरू हो गए थे 82. तो मेरे को वो अच्छा था कि मेरी मम्मी पूछती थी, अम्मा जी यार तेरे को पैसा नहीं चाहिए, बोला नहीं मेरे पास है. कैसा है, मैंने बोला मैं ये थोड़ा बहुत. तो उनको पता था कि मैं थोड़ा डांडिया शोज ये सब करता हूँ. बोले अच्छा ठीक है.
तो वो मैं अपने पैरों पे मैंने खड़ा होना शुरू कर दिया. करेक्ट. मेरी स्ट्रगल शुरू हो गई थी. और फॉर अ पर्सन हु हैज कम फ्रॉम अदर खास बैकग्राउंड, फॉर दैट पर्सन टू बी डूइंग स्मॉल ऑर्केस्ट्रा शोज एंड डांडिया शोज बाय इटसेल्फ इज अ स्ट्रगल. और मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ. मुझे संगीत का हर एक जो सुर है, हर एक जो जो कहते हैं ना कि जो हनी है वो पीना था. वो हनी कड़वा हो या मीठा हो, मुझे चखके देखना था कि ये क्या है, ये क्या है, ये भी मुझे एक्सपीरियंस करना है. तो वो मेरे मेरे मेरा खुद का डिसीजन था. वो मेरे डिसीजन से मैं ऑर्केस्ट्रा शोज या डांडिया शोज मैंने एंजॉय किया उस सब. ऐसा नहीं है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ. आई वॉज एंजॉय प्लेइंग ऑर्केस्ट्रा शोज, यू नो, पंचमदा के गाने बजाने, एलपी के गाने बजाने, बड़बंदा के गाने बजाने, मदन मोहन के गाने, और उसमें कॉन्गास बजाना है, बोंगोस बजाना है, तुम्बा बजाना है, कितना अच्छा लगता है. तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था. मुझे वो इंस्ट्रूमेंट्स का भी समझ आने लगा कि तुम्बा क्या होता है, कॉन्गा क्या होता है, बोंगो क्या होता है, शेकर कैसे बजता है, रेशो रेशो क्या होता है. ये सब चीजें उधर आके समझ में आने लगी ऑर्केस्ट्रा में. और डांडिया का एक अलग था बिकॉज वो दो दो घंटे एट अ स्टेज पर बजाया, तो उसके लिए एक स्टेमिना जो लगता है, वो एक स्टेमिना बिल्डिंग होने लगा कि यार डांडिया का शो है तो चलो प्रैक्टिस करो, स्टिक वर्क करो. तो वो एक अलग एक दौर था. उसमें रियाज मतलब ये, तो मेरा वो क्लासिकल म्यूजिक का रियाज नहीं होता था, इनका रियाज होता था. तो ये सब, और मेरे साथ काफी दोस्त मेरे उस वक्त नितिन शंकर जी भी मेरे साथ थे. तो वो हम लोग बैठ के रियाज करना, स्टिक वर्क का, तुम्बा का रियाज करना, वो एक दौर मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मुझे वो एक हैंड वर्क जो लेटर मुझे मेरे जेब में भी काम आया, वो मेरा अच्छा सेट होने लगा या सेट हो गया जो मैंने मैंने नहीं रियलाइज किया. तो वो स्ट्रगल मेरी चली रही थी, वो अच्छा था. दैट वाज गोइंग ऑन, सो नोबडी न्यू कि मैं आज उस्ताद अला रखा था. टिल अबाउट, आई विल टेल यू, टिल अबाउट यू कैन से 89 when I was fairly well known in the industry also, and one recording, for one recording at Anand Williams, Sharafat Bhai ke, ji, Sajid Bajit's father. He was a very senior disciple of my father. Right. In fact, we have learned together with Abbaji, and saath mein riyaz bhi kiya humne. So he came and he saw me in the recording. He said, "Tu yahan kya kar raha hai?" Bola, "Main yahan pe aajkal hoon." So through him, then Dubey ji got to know, and others got to know that, you know, I'm Ustad Ala Rakha's son. So that was a revelation for everybody. But till then, I was friendly with everybody. Right. Everybody has started liking me. My work was being appreciated. मैं ऐसा मतलब ऐसे नहीं कि भैया मैं उनका बेटा हूँ तो मैं आ गया. मैं काम अच्छा कर रहा था, मुझे ऐसे लगता है थोड़ा जो भी है. तो लोगों को फिर वो वहाँ पे पता चला. तो देन ही चले मेरे उस्ताद के बेटे हैं. अच्छा, अरे तुम उस्ताद के. तो देन आई थिंक इवन दुबे जी और आई थिंक समबडी सेड, ओह उसकी शक्ल मिलती है थोड़ी थोड़ा. तो उस टाइम क्या मूछ थी मुझे. हाँ, आई हैड अ मूछी एंड ऑल दैट, और बाल भी एकदम ऐसे थे. तो किसी को अब्बा जी का कनेक्शन नहीं मिला, और कुरेशी करके जाकिर हुसैन का भी कनेक्शन नहीं मिला. कभी कभी कुछ लोग मुझे बोलते थे, तेरे बाल एकदम जाकिर हुसैन जैसे है. हाँ, मैं भी ऐसे ही बोलता था. I never said that I'm his younger brother. Because I didn't want, because ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ शर्म थी या ऐसा. I wanted कि यार हम लोग सब, we are all friends, we are all musicians. मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप मुझसे अलग नहीं है. तो वो एक अच्छा था. तो वैसे मेरा एक स्ट्रगल था, अच्छा था. और वो मुझे लगता है वो स्ट्रगल होने की वजह से मुझे कुछ जिंदगी का जो कुछ चीजें की अहमियत है वो समझ में आ रही है. पैसा बचाना, पैसा ऐसे ही खर्चा नहीं कर देना उठा के, यू नो, पैसे की क्या अहमियत होती है उसको बचाना. क्योंकि खुद कमाने लगा था और घर से नहीं लेता था मैं. तो ये बात, अरे इतने पैसे यार हम लोग एक काम करते, टैक्सी नहीं करते, ट्रेन से निकल जाते हैं. अभी खाली ऑक्टोपैड हाथ में है और रिदम मशीन है, तो अभी टैक्सी को लेकर ट्रेन से आ जाओ. वो रात को लेट ट्रेन मिलती थी कभी कभी, वो अंधेरी से आना है तो सीधा ग्रैंड रोड. अब ग्रैंड रोड से टैक्सी करनी है तो नहीं यार, अभी पैसा जेब में इतना नहीं, तो चल के निकल जाता था मैं ऑक्टोपैड वो लेके. वॉक करते करते अपना कैंप्स कॉर्नर से होते हुए ऐसा चलते चलते 2 बजे 2:30 बजे कभी कभी पुलिस वाले रोकते थे, क्या है इसमें, क्या है. मतलब मेरा एहसास है, मैंने इसमें दिखाओ, खोल के दिखाया.
और जो ऑक्टोपैड दिखता भी बहुत अजीब, उनको पता भी नहीं है अलग क्या है, अरे बजाने का लकड़ी से हम बजाते हैं इसको, अच्छा अच्छा जाओ जाओ। तो ऐसा भी वक्त था जो अच्छा था मेरे लिए, बिकॉज इट वॉज गुड, बिकॉज आई अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ लाइफ, आई अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ सेविंग मनी एंड नॉट जस्ट गोइंग ऑन एंड जस्ट स्पेंडिंग द मनी। एंड सो दैट स्ट्रगल, आई थिंक इन ऑल आवर लाइव्स वी ऑल एक्सपीरियंस स्ट्रगल, आई गेस इवन यू हैव स्ट्रगल्ड एंड यू नो डिड योर पार्ट ऑफ द स्ट्रगल आई गेस। मैं इसीलिए जरा टॉपिक इसीलिए निकाला क्योंकि मतलब सैडली आजकल ऐसा माइंडसेट हो गया है कि अच्छा ही इज प्लेइंग विद सो एंड सो बिग कंपनी, ही इज प्लेइंग विद सो एंड सो बिग म्यूजिक प्रोड्यूसर, और ही इज प्लेइंग फॉर सो एंड सो बिग प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो बोले ये तो अभी है सेट, बट स्टोरी बिहाइंड कि वहाँ तक मतलब इतना आना और इट्स मतलब वहाँ तो स्टूडियो में तो इट्स आप अकेले ही हैं और क्लिक है और आपका प्लेइंग है उसी के ऊपर से ही आपका जो भी है। यू नेवर नो, यू आर यू मे बी द स्टार और स्टूडेंट ऑफ समबडी बिग, बट इफ यू कैन नॉट डिलीवर इन द स्टूडियो, लेट मी टेल यू, स्टूडियो रिकॉर्डिंग वर्क वी फील इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी जस्ट हैव टू गो एंड प्ले वन पैटर्न, वी कैन डू इट, राइट। बट मेनी मेनी म्यूजिशियंस who some have come from the classical background have come into this field and have not been able to deliver. Many musicians have, and many musicians have actually done both the things. That mere paas misal hai Ram Narayan ji, Sultan Khan sahab, Shiv Pandit Shiv Kumar Sharma ji, Hari Prasad Chaudhary ji, in fact even Zakir Bhai for that matter have played quite a lot of film recordings. So there have been many musicians who have actually, and then later on also, you know, Rakesh Chaudhary, Runu Mazumdar, I myself have come from a classical background, then later Niladri Kumar and so many others. So what I'm trying to say is that being in the studio, you're put on the headphone, you have to be correct with the click. Correct. And you have to, nowadays it's all different, but when we were working, forget me, when before we the musicians were working, they used to work with one mic. Even I started with, you know, I have seen that whole turnover of the whole acoustic going into electronic, you know, and I've been part of it. So even when I started working with Anand Mill in Mehboob studio, there used to be one mic up there. There used to be some, what do you call, near mics to certain musicians. But otherwise, it used to be that one mic and all the musicians would be around. Around. The tabla and dholak players would be around. Yeah. And I used to play octopad, and sometimes when there was no octopad work, I would play some side rhythm also. Correct. Or I would play some duff rolls and all that, because Anand Mill's song had a lot of duff. Yeah. So I would even take a duff or something. But we would be behind them. Okay. And so, and the high percussions would be between two dholak players, so one high percussion here, one high percussion there, say. And the idea was you play together. So if you want to be loud, somebody has to, then they have to push the table, or the high percussionist would put his hand forward, or the duff players would play louder. We soft bajane, soft bajane. So dynamics. The dynamics has to remain throughout the song. Right. You cannot suddenly go soft or loud, you know. Right. So that was the case. But in before us, can you imagine dholak player is sitting on a table, right? Yeah. There's only one mic, and he's playing a theka. ओके सो नाउ ये ओके थोड़ा लाउड चाहिए, थोड़ा लाउड बजाए और लाउड चाहिए, अच्छा टेबल आगे कर दिया, ओके हो गया। अब वो आ गए, अब वो टेबल आगे आगे आने के बाद में जिस पंच से बज रहा था वही पंच से बजना है, ज्यादा लाउड भी नहीं चाहिए, वो थाप मारनी है उसी थाप से बजना है, और वो सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, वो छल्ला भी सुन से सुनाई देना चाहिए। तो ये जो बैलेंस उनके हाथ में होता था, आई नो दैट द साउंड इंजीनियर वुड डू इट फ्रॉम देयर, बट द बैलेंस हैज टू बी इन द हैंड, एंड दो बार का चंग मिल गया, काट के लगा दिया। Correct. At our time also it was not that. We were still working on tape, right? So we had to play the whole song. So एक ही पंच से बजाना है, मुझे अभी भी याद है, I was playing octopad in that song, Anand Milind ka hi tha, and it was a three antara song, right? So if you have to punch,
यू हैव टू हैव एटलीस्ट 4 बार्स एम्प्टी फॉर एनी सेक्शन whether it's rhythm or melody or something whatever. So 1, 2, 1, 2 ऐसे चार बार तो चाहिए ही बिकॉज द पंच यूज टू बी मैनुअल there used to be a man who used to hold the head and then put it down on the tip for record. Okay, so it used to be a manual thing. So 4 bars. So I remember my whole song I had nothing, even in only in third music I had 8 bars to play. Mm-hmm. Kick, hi-hat and snare. That's it. And that's where I made a mistake. And it was at the end of the day, everybody is tired, they want to go home. And I made a mistake. And you know, the look when you get, when you make a mistake, the look that you get of all the musicians who are around you is like you want to just hide your face, you know, sharam se doob maro, aisa ho jata. But it happened and they had to go back to a point where there was a 4-bar gap. And that was in music 2. Wahan se yahan tak pura. Music 2 se yahan tak bajana hai sabko wapas. Thak gaye sab log, abhi wo 5 se bajana hai, abhi wo 5 bhi kam nahi hota hai. And it was, so that happens, you know, and it's an experience and you struggle and you learn that, that, you know, your turn, you don't make a mistake, you deliver. So it's not easy. Correct. Nowadays, it may be easy because of cut pasting, but you have to still show your mettle, you know, you have to still show your worth. So just because he's playing with some of the top music directors doesn't mean that he has not done his struggle, or Omkar has not done his struggle, or Kiyur has not done his struggle, or Shikhar has not done his struggle, although he's my son. But if he is going there to deliver in a recording, if he cannot play to a click track, then nobody is going to call him because he has to play to a click track. If he cannot deliver a pattern which has to be played in the right dynamics, then he won't be called. Just because he's my son, he's not going to be called. He's not going to get work. And that goes for all the students who are my sons, who are like my sons. They have to deliver. So you have to do your struggle. You know? So I know that all of us go through the struggle. And that struggle is what makes us what we are. And that struggle gives us a confidence also. Correct. Okay, I can do this. And that confidence in life also gives us. Also gives us confidence to face other challenges. So very first recording, क्या feeling? अरे बाप रे. मतलब मुझे अभी भी याद है. जहाँ कोई भी composer एक वो जो excitement जो. Yeah. क्या था कि मैं Anand Balil's messenger was Ajit. Right. So I had taken his number from CMA. Now I did my CMA का ऑडिशन इन 81 के सिंस देन आई हैड अ कार्ड बट आई गॉट वर्क फिल्म वर्क इन 86 कैन यू इमेजिन 5 इयर्स टिल देन आई वाज डूइंग स्मॉल थिंग्स सो आई गेव माय नंबर टू मैसेंजर अजीत इन सम टाइम इन 82 और 83 और सो तो मैं बीच-बीच में फोन भी करता था वो एक अलग स्ट्रगल है वो अलग से काम के लिए पिच करना कि भाई यार कुछ काम हो तो बताना फिल्म का हाँ मैं वो ध्यान में हो मैं बताऊंगा ऐसे करके सो व्हाट हैपेंड वाज दैट आनंद मिलिंद के यहाँ एक ऑक्टोपैड प्लेयर थे जो आई थिंक किसी वजह से वी वेंट ऑन अ टूर ऑफ विद वन फेमस बॉलीवुड आर्टिस्ट तो उस वक्त टूर डेढ़ दो महीने के होते थे ऑर्केस्ट्रा के शोज क्योंकि वो 20-25 शो हुआ करते थे So, मुझे अजीत का मेरी मम्मी को अजीत का फोन घर पे क्योंकि उस वक्त मोबाइल नहीं थे लैंडलाइन पे अजीत का फोन आया तो मेरी मम्मी ने लिया था अम्मा जी ने बोले वो बाहर गया है बोला उसको बोलना कि कल महबूब में आ जाए सुबह महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है तो बोले अच्छा ठीक है मैं उसको बता दूंगी तो मेरे को मैं घर पे आया रात को तो मुझे अम्मा जी ने बताया बोला अरे अच्छा नेक्स्ट डे हम लोग का काम भी था मेरा और पीयूष का पीयूष को इमीडिएटली फोन लगाया मैंने बोला यार तू कर मैं नहीं आऊंगा मेरे को फिल्म का रिकॉर्डिंग आया तो पीयूष बोला यार मैं कैसे करूंगा हम साथ में काम कर रहे हैं मेरे को वो ये है वो है मैं बोला तू मैनेज कर सो ही वाज सर ओके ठीक है मैं देखता हूँ तो नेक्स्ट डे मैं बराबर 9 बजे पहुंचना बोलना तो मैं 9:45 बजे पहुंच गया था तो मैं पहुंच गया उधर और तब तक कोई भी नहीं आया था मैं अकेला ही था महबूब की सीढ़ियाँ होती सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके तो वो जो जो भी था उधर जो
करती हूँ, उसका नाम तो विठल, चाय वाय भी देता था सब उसको। बोले हाँ नहीं अंदर जाओ अंदर जाओ। मैं अंदर जाके अपना बैठ गया, फिर अजीत आया साढ़े नौ के करीब, सब कुछ और म्यूजिशियन आने लगे, तो अजीत बोला हाँ तू ही है ना, तो देन आई गॉट टू नो आनंद मिलिंदकर, आई डिडंट नो इट्स आनंद मिलिंदकर। मेरा तो एकदम वो राजू सिंह आई न्यू मुझे अच्छा लगा, मैंने फिनिश द वर्क, आई वाज लाइक आई हैड अ बिग साइग ऑफ रिलीफ कि यार पहला रिकॉर्डिंग फिल्म का अच्छा, मुझे किसी से कंप्लेंट नहीं हुआ, नोबडी कंप्लेंट, म्यूजिक डायरेक्टर्स वर हैप्पी कि चलो अच्छा हो गया, दुबे जी से मेरी मुलाकात हुई, तो ऑफ कोर्स ही वाज द अरेंजर, आई ट्रस्ट हिज फीट एंड ही सेड अच्छा, एंड ही वाज हैप्पी कि भाई काम अच्छा हो गया, तो मुझे अच्छा लगा कि इट वाज अ गुड डेज वर्क, यू नो, सो आई फेल्ट गुड। बट बिफोर द रिकॉर्डिंग वाज लाइक क्या होगा, यू नो, सब एकदम नया है ना, एकदम राइट, आई मीन इट वाज अ कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, यू नो, आई वाज जस्ट अबाउट व्हाट 24 इयर्स ओल्ड, 24 साल का, as old as Shikhar, I would say. Yeah. So it was, but it was worthwhile. Yeah. Because वो एक recording अच्छा होने की वजह से मेरा काम अच्छा लगा, तो मुझे आगे के dates मिल गए. Correct. आनंद मिलिंद के, मुझे दुबे जी ने बोला अजीत को इसको आगे का भी dates दे दो. तो मुझे एक almost एक महीने का dates मिल गया. Wow. So मैंने पीयूष को bye बोल दिया था. Because I was here, so I said, boss, you now handle. So he was at that time not happy. अरे क्या यार तू मेरे को. But then of course we are friends and we are still friends and he understood. चल ठीक है यार. मैं बोला मेरा goal है यार ये. मुझे film के recordings बजाने हैं. मुझे मिला है. तो मैं इधर जाऊँगा. तो मैं उधर फिर. So it was all good with all with Abba ji's आशीर्वाद. Everything was fine. तो सर एक player जो आपके से शुरुआत करके then as a rhythm arranger, तो वो एक कैसे आपके life में वो stage है, and आप बताइए कि एक rhythm arrangement क्या है और एक rhythm arranger क्या करता है? मेरा जो 86 में I started working with Anand Milind, then मेरा दौर गया as an octopad player, because we used to figure sounds through our rhythm machine and samplers on octopad, sometimes kick hi-hat snare बजाना है, कभी ढोल का pattern, ढोल का टिम्बा भी लगा लिया है, कभी तुम्बा के साथ तुम्बा भी लगा लिया, कभी टैम्बूरिन भी लगा लिया, ये करके हम लोग आई यूज्ड टू डू दैट, एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू आल्सो डू रिदम प्रोग्रामिंग, सो वो दौर चला फॉर अ व्हाइल, आई एक्चुअली डिड माय इन बिटवीन आई यूज्ड टू वर्क विद माय पार्टनर पीयूष व्हेनेवर आई कुड गेट टाइम फ्रॉम ऑल दिस टू गो एंड वर्क विद हिम एज एन अरेंजर, सो दैट वाज ऑल, बट माय प्रॉपर रिदम अरेंजमेंट started in films with SEM, with Shankar and Shankar. And they were the first. So actually, Shankar is a very old friend, dear friend of mine. In fact, on his album Breathless, I have arranged the rhythm for two songs in which I have played. And we've done a lot of live shows together. So him I had started working with, and I was part of some jingles also which Shankar Ehsaan Loy had done at that time. So they started work on Mission Kashmir. Okay. And of course I was there with them, so I came as a rhythm arranger. So I'm really always in my life, I always thank them from the bottom of my heart. That through them I discovered the major rhythm arranger in. Because I started working on their songs as a rhythm arranger. And so Mission Kashmir was the first film. And for me, I was already doing small rhythm arrangements with Piyush and me, albums, you know,
फाल्गुनी पाठक का भी एक एल्बम किया था, उसमें भी मैंने बिकॉज आई वॉज यू वर्किंग सो आई डिड द होल टू थिंग्स. फिर वो अब्बास खान के साथ वी डिड दैट एवा मुंबई में चाल चाहिए विच वॉज अ लिफ्ट ऑफ वेस्ट साइड स्टोरी. सो ऑफकोर्स the rhythm arrangement was a major impact of it, was a major chunk of that whole, because it was all dance and all that. So yes, I was doing all that, but here for a film song, right. I was doing for the first time. So Mission Kashmir ke saath mein mera wo rhythm arrangement ka mera ek shuruaat hui, and it was a fabulous thing because I was working with friends, right? Yeah. So it was like, अरे तू क्या कर रहा है, इसका क्या करते हैं, हाँ मैं यहाँ करता हूँ. And you know Shankar, you know how Shankar is, he's a very involved person. Yeah, yeah, you know much. So इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा तू ये कर, अच्छा इसके साथ ये भी कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते ना तू ये. ऐसे करके मेरा rhythm management शुरू हुआ with friends. So it was a welcome thing. Yeah. It was not like I was working with somebody new, right? I've never worked with. So I was, I knew Ehsaan, I knew Loha, I knew Shankar. So एक दोस्ती यारी में वो rhythm management जो start हुआ मेरा. And that was nice because I got to work on all the songs and I got to मेरे दिमाग से वो निकलने लगा कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ मादल डाल दिया, यहाँ पे big drums डाल दिया, ये कर दिया. And also I was part of the background music for Mission Kashmir with them. And I still remember we were shooting for this song Rind Poshmal in the Zurich city. And that shooting was there, went on for 4 days. And every break we would come in the camper, we had a, you know, the vanity van, and there they had done their setup with a, you know, pneumatic where the film was playing, and these guys would work on something and I would give my thinking, you know, rhythm ka yahan aisa kar denge to acha lagega, yahan ye karenge, yahan ye karenge. So it was lovely to be working on that. So for me, that first film thing when I was a rhythm arranger was a very beautiful thing, you know, ki maza aaya kaam karne ke liye. So that was my first thing. And so then I started realizing that, you know, okay, I can, there are certain elements which I hadn't discovered in myself as a rhythm arranger, which came out over there. Also because Shankar Ehsaan Loy also gave me the freedom to do it. Correct. Ek chhoot di ke bhai tu kar, and they had the faith in me ki ye karega, achha hi karega. So ek faith bahut zaruri hota hai when you get in somebody to do rhythm arrangement. Then what used to happen, you know, and I've gone through this, and I think everybody has gone through this, and it's a lesson to be learned. When I used to work with, you know, Anand Milindis and Jatin Dalit and all, and when I started working with Vanraj and even Anu Malik, I would do the rhythm programming. So in a way, I was doing the rhythm arrangement, correct, right? But I was not the rhythm arranger. I was a rhythm programmer. The arranger was somebody else. But according to what I would be wanting to his ideas, I would do it on this. And I still remember we are walking throughout the day. At the end of the day, the director would come, or the producer would come, and they would scrap the whole thing. And you have to work again on it. Again on it. This has been happening, and it's still happening. It's still happening. People still go through that. Yeah. You know, what I feel is that, yes, I can understand the director's vision, the producer's vision, the director's assistant's visions also. And people who are not in the director, even their vision I can understand, you know. They also have a say, you know. So their vision is also fine, but whatever their vision is, you know. So it's okay. I mean, I can associate with that. But just imagine the whole day's work just goes for a toss. You have to start again. So what I feel is that many times people don't have faith in whoever you brought in. Right. Whoever you brought in, they don't have the faith in that person. कि ये क्या कर रहा है? तो मेरे को लगता है कि when you bring in somebody to do a job, you must have faith in that person. You can say a few changes. Correct. I can understand that. But you must have faith in that person. Which I have seen in people like Vinu Vinod Chopra, Rakesh Oprakash Mehra, Farhan Akhtar. I've seen that faith ki inko bulaya to ye log deliver karenge. Correct. Aur ye acha karenge deliver. Ha, thoda mere hisab se ye ho sakta hai kya, wo ho sakta hai kya. This I have seen in Shahid Ali and in Farhan Akhtar and so many others, you know, who are tuned in with the person who they have brought in. Correct. And they will make their point, but they will also, you know, and the music director also has the faith in their range. Correct. Like SEL hai. Like Pritam would have in me when I started working with Pritam, right. You know, I still
remember I came to work with Pritham on Dhoom 2, title song. Dhoom was already on, Dhoom was a famous song. Right, you know. And Dhoom 2 ke liye mujhe bulaya to do the rhythm arrangement. I said, okay. And they showed me, I still remember, we sat in Aditya Chopra's office in Yashraj. And Pritham, and he showed me Stomp ka video. London ka. Jo band, very famous band, very internationally famous band. Now, coincidentally, I had seen Stomp live in London itself when I had gone there a couple of years back. And in fact, I was very inspired by Stomp myself. And I had started my own band, Mumbai Stamp. Correct. By then. So they showed me and said, we want this. So I said, you know what? Let's get this sound. But let's do something of our own. Correct. Why should we do something they've already done? It's done. And when this comes out, people are going to just compare the music to their music. Them, correct. Let's try to create something, something new, something right. original. And I'm thankful that both Pritham and Aditya Chopra had the faith in me. That, acha, tere ko kya karna hai, tu kar. Ye bahut zaruri hai. Ye faith bahut zaruri hai. Do something. And whatever I came with has become history, has become so famous Dhoom 2 title track with Hrithik's own entry. It's basically, what I've done is taken that sound of Stomp, right. But what I've done is our own legend. Legend, correct. Many patterns and intro. It's all that, but it comes in such a unique and a different way. Now that faith is there in me and they were happy. So I'm saying that faith is necessary when you bring in somebody as an arranger. So the music director has to have a faith. Correct. The person who's the director has to have a faith. कि ये करेगा ये करेगा और ये चीजें किया इसने अच्छा किया अच्छा अगर इन लोगों को मैंने देखा है इफ दे डोंट अंडरस्टैंड आल्सो दे विल आस्क यू कि व्हाई हैव यू डन दिस एक्सप्लेन टू मी ये क्या हिसाब से किया व्हेन यू एक्सप्लेन देन इट मेक्स सेंस टू देम एब्सोल्युटली सो दिस फेथ इज वेरी नेसेसरी यू नो सो दैट ट्रांजिशन फॉर मी हैपेंड थ्रू शंकर एहसान लॉय एंड देन पीपल लाइक प्रीतम केन हु हैड द फेथ इन मी सो देन आई वर्क विद हिम ऑन धूम 2 एंड ऑन देन जब वी मेट ऑन नगाड़ा एंड देन मेरे ढोलना मेरे ढोलना historic that is another that song also आपने इतने टुकड़े चक्रधार उसमें तो it's like वही so that was a different game that was completely I mean if you hear it you will feel is this a Pritham song because he was there with Dhoom 2 and Nagara correct and then you know so many other songs you know Ferrari ki Sawari Ferrari ki Sawari forget me with other hit songs also Crazy Kiya Re and all that and doing all that and he came into this thing and we had already tracked if I'm not mistaken Let's Rock by Sony yes from Bhulbulaiya yes wo ho gaya tha already usme and then this song came and he came and he called me and I went to the studio and he said Topic bhai this is up your alley I said what and then when I heard the song I said are ye to pura and he said mujhe completely your zone you do what you want to do wow. main ghar ja raha hu so he had that much faith in me कि मैं अभी दूसरा काम आप इसको आप करिए आपको क्या करना है योगेश वाज देयर द अरेंजर रिदम म्यूजिक अरेंजर सो आई डिजाइन द होल तोड़ा टुकड़ा क्या करना है कॉल आदित्य कल्याण को बोला उसको बोला मैंने कि भाई तू आ बिकॉज़ वो जो भी थे प्रोड्यूसर वाले बोले वो तबला प्लेयर का आपने इतना पैसा बोला है तो हमारे यहाँ बोला जो मैं बनाने वाला हूँ ना वो लोग ही कर पाए वो लोग शायद नहीं भी बजा पाएंगे कर पाएंगे ऐसी बात नहीं है लेकिन वो जो जोन में मैं बना रहा हूँ वो ये लड़का करेगा कल मैं इसको बुलाऊंगा तो देन प्रीतम ने बोला नहीं नहीं आप बुलाइए आपको जिसको बुलाना है मैं सब देख लेता हूँ सो दैट फेथ अगेन ये तौफीक कुरैशी ये तौफीक भाई जो करेंगे वो डिलीवर करेंगे ये फेथ बहुत जरूरी है तो उससे कैसे होता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है एज अ रिदम अरेंजर आई फील आई ग्रू फ्रॉम शंकर एहसान लॉय आई ग्रू व्हेन आई केम टू प्रीतम आई ग्रू मेरा होल माइंडसेट बदलने लगा मेरे को मुझे और भी कॉन्फिडेंस आने लगा एज अ रिदम अरेंजर बट आई एम सेइंग आई बिगन टू थिंक ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज यू नो बिकॉज दीज पीपल हैड द फेथ इन मी सो आई स्टार्टेड डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज एंड दोज आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज मेरा दिमाग खुलने लगा ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन जिंगल्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग जिंगल्स व्हेन आई डिड दिस इंडियन रेलवेज का जिंगल व्हिच वाज द गोल्ड एट द कार्स आई डिड द होल रिदम ट्रैक using voice and body percussion. It was a very famous song of Ashok Kumar's Re Lagadi. Yes, I was there in the record. You were there. And we called Sudesh Bhosle. Yes. And I did the whole track using, and
the music got the gold. Gold in Cannes. For the best use of music, which is really amazing. So I started thinking out of the box because of working with these people, you know. And that helped me when I came through the line. And, you know, through the years, I started coming into, started working with new guys like, you know, Sajid Baji. Even I was working with Salim Suleiman. In fact, the other day, I asked, somebody sent me, one of the students, I think, Siddesh Bhai sent me a jingle. You know, this jingle which was done in for the 2003 World Cup. Correct. Now, this song was composed by Adnan Sami, sung by him. The music was produced by Salim Suleiman. Yes. And I did all live voice and this percussions. You know, and he heard this song and he sent it to me saying, sir, yeah, aapka voice hai kya? Yeah. Vocal percussion. I played timbali in that, bongos and conga, voice percussion. So, again, Salim Suleiman. Now, I was working with Adnan. He was the music director. Correct. He had the faith in me ki ye topic will deliver. I even remember working with Adnan on Lucky film. Lucky. Yeah. And a couple of songs from that. One was that... Ashatai's? Ayaramaram. It was a brilliant song and I remember playing the live kit, my standing kit in that, apart from the bongo. Yeah. And so it was great. So that I guess this whole zone of when you call somebody, you have faith. Again, I'm coming back to that again and again because it's a very important aspect of coexistence. Whether it's in an office or whether it's in a studio. That coexistence should be when you have the faith in the person who you bring. And that, so I was saying, I evolved as a rhythm arranger. And then to be, and then when this new guy Sachin Jigar came. Correct. So they also had the faith in me. Yes. Right? Woh zaruri hai. Now, of course, they'll have the faith in me because I'm senior also. But that whole zone, I think, changed. I have seen a whole transition of acoustic going into electronic. Right? And Shankar Ehsaan Loy were one people who really took that electronic into another level. Salim Suleiman also. Correct. Took it to another level. You know. And I guess I was part of a lot of their work, which made me evolve as a musician, as a rhythm arranger, you know. So, and of course, then Pritham came with him also. So that evolving happened with me, you know. So that confidence comes, that evolvement as a rhythm arranger happens, and you start thinking of new ideas. And all that, I would say, helped a lot with me when this Sachin Jigar came. Correct. Imagine that whole, I mean, imagine a whole dance song, which is all hip-hop oriented and all the new dance things, I can't even name them, sorry. I don't know all the dance genres that have been used by the great Remo in ABCD. But fabulous dance movement and genres he has used in that. But just imagine, a whole contemporary dance thing is happening with a traditional recitation of chant. Correct. And Dhol Tatasha. Dhol Tatasha, yes. So that only can happen when a coexistence, when you have a faith ki ye aadmi karega aur acha karega kaam. Correct. I'm thankful to Sachin Jigar and to, of course, the director Remo for having this faith in me ki Taufik, you will deliver, please come and do your job. Correct. And we will not disturb you in that job. That's very important. What do you say? Absolutely, sir. Even I'm working with Shankar Ehsaan Loy and Pritham Da hai aur baki Amar Malik hai. तो समटाइम्स इट हैपेंस के ये लोग रिकॉर्डिंग में आते भी नहीं है मतलब दे जस्ट सेंड अ सॉन्ग एंड दे गिव यू अ ब्रीफ के ऐसा ऐसा है इवन विशाल शेखर आई वुड से तो तू कर ले मुझे अभी भी याद है एक मूवी आई थी कुछ साल पहले बैंजो रितेश देशमुख की सो विशाल सर कॉल्ड मी एट वायर एफी सेट के मुझे कुछ फिल्म का डिस्कस करना है एंड तू आ जाए मैं गया डिस्कस कर रहा तो ही प्लेड मी अराउंड 6 सॉन्ग्स सो ही सेड कि ये बैंजो मूवी से है और हम लोग कल यूएस टूर पे जा रहे हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग सो ही सेड दैट इट्स इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे जस्ट सेंड अ बाउंस MP3 बाउंस हम लोग खाली सुन लेंगे एंड आई वुड से कि बहुत ही मेरे लिए एक फॉर्चुनेट चीज और एक ब्लेसिंग या ऑनर रहा उनके लिए करना एक पूरा एल्बम फुल फ्लेश एंड
hardly there were any corrections. Good. So that faith they had, and they showed that complete faith in me. And similarly, Shankar bhai hain. So abhi maine jaise upcoming movie ka hi Prithvi Raj. So I did the whole album, full rhythm arrangement in the whole album for them, all four songs. So I don't think ke charo gaane jab record ho rahe the to Shankar bhai the maujood. Because he knew ki Shankar to pehle se aisa hai. तदाई के टाइम पर भी ही जस्ट गेव मी द सॉन्ग एंड ही सेड टू कर बैठ जा रहा हूं एंड ऐसा नहीं लॉयल सो एंड आई डिड द रिदम फॉर दैट एंड द नेक्स्ट डे ही केम अरे यार क्या मस्त हो गया है गाना हम लोग इसमें एक टीम भी ऐड कर देते हैं देन वी एडेड अ फ्यू थिंग्स टू इट करेक्ट बट दैट होल रिदम सो शंकर ऐसा लॉय हैव ऑलवेज बीन वेरी ओपन बिकॉज़ दे आर म्यूजिशियंस हु वांट टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट करेक्ट यू नो फ्रॉम एंड दे नो दैट टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट यू हैव टू गिव फ्रीडम टू द म्यूजिशियन Absolutely. And I think I can say that you know, you all of you working with me over the years have turned out to be good rhythm arrangers in your way. You know? You are doing it now. Nishad has been also doing it. Nikhil, for that matter. Because I guess you guys have seen me work, so you know how I work. Right. And this whole concept of thinking out of the box is something which I see in all of you, and that makes me feel good. That just makes me feel nice. Whether it's Nikhil, you, Nishad, and Omkar, Kiyur, whenever they are doing on their own, I can see, and I because I think that's something which should come from inside you. Correct. And that arrangement, see arrangement ki kaisa hota hai na? Ki main puchne ja raha tha. Definition aapki nazar mein. अरेंजमेंट क्या है कि गाना जो है उसको डिस्टर्ब ना करते हुए हम कितना उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं दैट इज द जॉब ऑफ एन अरेंजर एक मुझे अभी भी एक बहुत अच्छा किस्सा याद है दुबे जी वेरी फेमस रिदम अरेंजर बिफोर आनंद मिलिम ही हैज वर्क्ड विद ऑल द टॉप म्यूजिक डिजाइनर्स एंड आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ वर्किंग अंडर हिम So he, one of the dholak players over there, used to sit with him in the sitting room also. And when the singer would come inside the dubbing room, right. you know, before the song was finalized, at Anand Milind aate the, aur wo dubbing room mein jaate the, song violin ke saath, and Dubey ji bhi jaate the andar, aur dholak ke saath. कि भैया क्या रिदम आज का गाने का क्या रिदम है बेटा एक बार फाइनल कर लेते हैं और वो प्रोड्यूसर भी होते थे डायरेक्टर भी होते थे उनको गाना से सुनाते थे एंड देन सो एक दिन ऐसा हुआ एंड देन दुबे जी केम आउट एंड वो ढोलक वाला था वो भी आया साथ में तो उसने बोला कि दुबे जी हम लोग ने सिटिंग में वो अलग पैटर्न लिया था आपके यहाँ पे बहुत कमाल था वो पैटर्न बहुत ही यूनिक अलग था इधर आपने फिर वो चेंज कर दिया उसको स्ट्रेट कर दिया ऐसे क्यों बोले देखो जिसको सादा पान क्या होता है वो भी नहीं पता तो उसको किमाम का पान खिलाने का मतलब नहीं होता ये बहुत अच्छी बात है गिर जाएगा सादा पान चाहिए तो उसको किमाम का 120 का क्यों पान हमको खिलाना है उसको सादा पान चाहिए उसको सादा पान ही दे देते अपना काम है उसको बोलना कि ये खाइए किमाम का पान देखिए बहुत अच्छा है लेकिन अगर उसको नहीं टेस्ट जमा तो वो टेस्ट नहीं उनको पसंद उनको उसका टेस्ट ही नहीं है तो उसको सादा पानी खिलाना है तो ये मेरे दिमाग में बात बैठ गई बोला ये बात सही है करेक्ट ओवर द इयर्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग विद द आइडिया कि आई विल सजेस्ट व्हाटएवर इज न्यू बट इफ समबडी कांट अंडरस्टैंड इट और डाइजेस्ट इट देन आई विल गो बैक टू व्हाट हैज टू बी गिवन बट फॉर्चुनेटली फॉर मी ओवर द इयर्स Most music directors who I've worked with, I have not faced this situation. Somewhere, with some music director, yes, I have faced this situation, but, and I have said, chalo, tum sada pani ka khate hai. Correct. Wo karna padta hai. So, rhythm arranger ka kaam ye hai, ke, aapka kaam hai suggest karna. You cannot force something also. Absolutely. So, sir, abhi ek jaise रिकॉर्डिंग्स में एज अ रिदम अरेंजर आपने कहा तो आज अगर आपके SCL के लिए शंकर सन रॉय की जैज सेशन है कल आपकी प्रीतम दा की रिकॉर्डिंग है परसों सपोज
राजेश रोशन जी के लिए आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बैक टू बैक तीन अलग अलग कंपोजर्स, तीन अलग अलग गाने, तीन अलग अलग अरेंजमेंट, और इसके अलावा एक कंपोजर का टेम्परामेंट हैंडल करना, मतलब एक विद द टाइम उस कंपोजर के साथ आप फ्रीक्वेंटली जब काम करते हैं, सो यू गेट टू नो एंड यू इमीडिएटली यू कैन सेंस के इसको अगला पैटर्न क्या चाहिए, इसको अगला पिकअप कॉम्प्लिकेटेड जमेगा या नहीं जमेगा, तो वो और टेम्परामेंट एक हैंडल करना एक अलग अलग कंपोजर्स का, तो वो एक कैसा एक चैलेंज कहे या एक प्रोसीजर कहे, वो कैसा आपके लिए रहा? ये बेसिकली कैसा है ना कि जैसे अभी हम लोग जब क्लासिकल बजाते थे, जब मैं भी बजाता तो सितार प्लेयर के साथ करेक्ट अलग अकम्पनीमेंट है, वोकल के साथ अलग अकम्पनीमेंट है, डांस के साथ अलग अलग अकम्पनीमेंट है, तो ये थोड़ा तो हमको आइडिया था ही। म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने का एक ये होता है कि अगर आप उनके साथ एक रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, सो यू शुड नो व्हाट इज द साउंड दे लाइक, व्हाट काइंड ऑफ साउंड दे वांट, ओके, पैटर्न विल डिपेंड ऑन द सॉन्ग, व्हाटएवर पैटर्न यू डू विल डिपेंड ऑन वेदर इट्स अ 6/8 सॉन्ग और अ 4/4 सॉन्ग और व्हाटएवर, बट व्हाट काइंड ऑफ साउंड दे लाइक, ओके। Now I know that whenever I've worked with Shankar Ehsaan Roy or Vishim Kashmir, Dil Chahta, they are people who like very organic sounds. Correct. And less. Right. Not too crowded. Correct. You know, not too crowded. Overlayering. Overlayering is very less for them. They would prefer ki whatever you're putting, everything should be heard. Right, in its perspective, wherever you're putting it, it has to be heard. Of course, that also depends on the mix. But there are people who like organic sound, who like that it should be less, you know. And even if it means that one sound is coming only for 4 bars, correct, and then not coming at all. You know? So that's what they like. And you have to understand that and you have to plan it accordingly. Correct. You have to plan. You come to Pritham. Pritham is a person who likes a big sound. Correct. He likes a big sound. He is like, okay, let me see 8 people with you. Yeah. Right. When I used to work with Shankar Ehsaan, now I used to be alone. Correct. Khud akela rehta tha. And I would design ke kya karna hai. Even if sometimes Shankar would sit and play some part. So with Pritham it was like, okay, Taufik, I want a big sound. Correct. So I want, so you know, you guys used to be there, some who used to work with me. I used to bring all you guys because then for me it was like I can depend on you guys because whatever I say to you, you guys will catch it faster. Correct. Then I bring in some other industry musicians. Of course, a lot was also because you also will get an experience in that. Absolutely. Right? So, ye bhi ek tha. Aur ye bhi tha ki bhai, mere log hai toh mujhe kya chahiye, maine bataya toh wo log catch kar lenge. Absolutely. Toh wo usko bada sound chahiye. And for him, it is like the layering has to be such that it should sound a fat sound, big sound. Yeah. Fat. So if I've done one layer, then he would like me to do another layer and then another layer. So that it sounds big. Of course, he also would want in the perspective of each sound should have its own space. Absolutely. Definitely. That's because these music directors have come. It's a different generation of music directors. Yes. Talk about Shankar Ehsaan Roy, Pritham, Masri, Suleiman. So he would like a fatter sound, big sound, layer it with your number of people. Correct. To come to Rajesh Roshan, Rajesh Roshan is completely subtle. Okay. His songs, if you see, are never like rhythmically very heavy or very minimalistic kind of sound. घर से निकलते ही है या वो जो एक गाना था फ्रॉम सबसे बड़ा खिलाड़ी भरो मांग मेरी भरो सिंपल पैटर्न वन तबला चाटी इज कमिंग इन द ऑफबीट करेक्ट अनदर चाटी विद अ डिफरेंट सोर इज कमिंग इन अनदर स्पेस बट लाइक टू वन लूप इज गोइंग थ्रू आउट सो ही वुड लाइक दैट वन समथिंग इज गोइंग थ्रू आउट and in that some elements are coming and going so his whole thing is like that so you have to understand that and you have to execute it accordingly you know
and he would like those 808 kind of sounds. You know, that dead kind of, muted kind of tones he would like. He used to love those kind of sounds. So I have to understand, because I was programming for him. I wasn't programming for Shankar-san. I was only doing live. But I was programming for Pritam and doing live. Correct. So I had to understand that, okay, I program something where the live will make a difference. So the programming has to be very minimalistic, because I can then really put the live elements in such a way where that, but the programming mein minimalistic hai, malum hi nahi padega. With Rajesh Roshan, I was just programming. I wasn't playing live. So that whole mindset has to be different, you know, for each music director, and you have to understand what kind of sounds they like, what kind of patterns they want. ये रिदम अरेंजर, ये रिदम अरेंजर का खास काम होता है कि उनको क्या चाहिए वो हम समझ के अपना काम करें, और इसीलिए उसे रिदम अरेंजर कहा जाता है. करेक्ट सर, आप गाने को आपका क्या विजन रहता है, जैसे गाना आपके पास भेजा, बिकॉज मुझे पता है जब भी कोई कंपोजर आपको गाना भेजता है तो आप ये प्रेफर करते हैं कि उसमें कुछ भी रिदम ना हो, सो दैट यू कैन डिजाइन. देन आई कैन डिजाइन, नो, तो एक देन आई कैन डिजाइन विजन अभी मतलब जो है, क्योंकि कंपोजर ने सपोज एक रफ ड्राफ्ट अगर प्रोग्राम किया होगा इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, लेकिन जब आपके पास वो गाना आता है तो आप एक पूरा एक नॉन पर्कसिव एलिमेंट पूरा करना चाहते हैं कि नहीं ये पर्कसिव होगा, किया होगा, बट मैं इसको इस तरह से करता हूँ, तो विजन आप कैसे उसको देखते हैं गाने की? सी, मेरे को कैसा लगता है, अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तन्हाई जो गाना दिल चाहता, तन्हाई. नाउ व्हेन दिस सॉन्ग वाज देयर, पैटर्न वाज नॉट देयर. करेक्ट. एंड आई डिड, मेरे दिमाग में व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग आई जस्ट थॉट वो जो संदल में जो मुहर्रम में जो वो लोग करके ना संदल निकलता है. करेक्ट. पर वो लोग जो मातम मनाते हैं. करेक्ट. मेरे दिमाग में वही आया व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग. द सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली कंपोज्ड. एब्सोल्युटली. शंकर ने क्या गाना बनाया है. तो मैं जब मेरे विजन में आया मातम, धुम तक तक धुम धुम पा तक धुम तक धुम धुम पा तक धुम, मैंने वो और वो It's also shot in a very sad way. Yeah. तो मेरे दिमाग में वो मातम आया. हम लोग बचपन में माहिम में तो पले बड़े हैं. तो हम लोगों ने मातम बहुत देखे हैं. वो जो उसमें आते हैं सर. तो वो धम तनक तक धम 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 तक धम तनक धम धम. मेरे दिमाग में वही आया. And I executed that. And it worked with the song. It worked with the music director. It worked with him. Another song of Shankar-san Loy, when I went to work for Bhag Milka Bhag. So, I went in, I said, I have something in my head, I want to execute it, I can't tell you what it is, but if you give me two hours, I'll do it. Mm-hmm. And I just went, I did all voice percussion. And then 2 ghante ka 4 ghanta ho gaya. Chalega, but they were patient. So then I went out and I said, come. And then Rakesh Om Prakash Narayan also came. He came and we heard it and everybody was blown. And then Shankar said, nahi, kya ho gaya hai, maja aa gaya hai, to ekdum mast ho gaya hai. And even aisa Loy, they also loved it. Rakesh loved it. Chala, ye to pura gaane ka color hi badal gaya hai, yaar. Ye jo करके जो तूने पिकअप लिया है वो अमेजिंग है यार. दिस इज अमेजिंग. सो दैट होल पर्सपेक्टिव चेंज, राइट. सो नाउ कमिंग टू प्रीतम. यस, प्रीतम का एक गाना है जब भी मेट का नगाड़ा नगाड़ा. अब वो गाना भी भागड़ा है. एंड आई टोल्ड प्रीतम ये गाना भागड़ा है. हम लोग भागड़ा ढोल से नहीं करते, ट्रैश से करते हैं. वाओ, इफ यू हियर दैट सॉन्ग, उसमें भागड़ा बज रहा है लेकिन ढोल नहीं है, उस ट्रैश पे लिया है. पूरा ट्रैश पे लिया है हम लोगों ने, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव भागड़ा है. लेकिन अभी किसी को ढोल मिसिंग है क्या गाने में, किसी को मिस नहीं हुआ है. लोगों को भागड़ा मिल रहा है ना, वो भागड़ा उससे मिल रहा है तो ट्रैश से. पूरा गाना पर्सपेक्टिव भी बदल गया कि नहीं उसका. एब्सोल्युटली. राइट. व्हेन सचिन जीगर केम टू मी फॉर दिस ABCD,
एंड आई डिड दैट गड़ाराम गणपति करेक्ट. तो वो लय जब आ गई तो मैंने बोला ये इसमें गड़ा गड़ा तीसरे की लय थी तो कह दो तो मैं चला गया दूसरी लय में राइट. नहीं तो वो गड़ाराम ऐसे हो जाएगा. तो मैं दूसरी की उसकी लय में निकल गया मैं. तो वो क्या लग रहा है लेकिन वो उसके साथ में देवा उससे बोला अरे ये कमाल हो गया. सो वो उस वक्त क्या करना है ये थोड़ा समझ में आना चाहिए. करेक्ट है कि नहीं. तो वो म्यूजिक डायरेक्टर को क्या चाहिए वो समझते हुए हम उसमें क्या थोड़ा सा अपना एक डाल सकते हैं कि जो उसका एक प्लस पॉइंट हो जाए. करेक्ट. ये बहुत जरूरी है समझना. एंड आई एम हैप्पी दैट दीस अगेन आई विल से आई एम थैंकफुल टू ऑल दीस म्यूजिक डायरेक्टर्स हु हैव एक्चुअली रियली गिवन मी अ फ्री हैंड टू वर्क एंड आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी ओपन विजन व्हेनेवर आई हैव गॉन टू वर्क. Sir, do you ask the situation of the song and what vision is going to happen in the video? So, वो भी बहुत minor होता है. Yes, 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 yes. Definitely.